हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, कल एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट फाइनली आउट हो गया है। सो सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आप इस लूप से बाहर हो चुके हो। कंग्रेचुलेशंस कि अब आप अपनी आगे की लाइफ की ओर देख सकते हो, आगे की सोच सकते हो। कंग्रेचुलेशंस कि फाइनली आप अपने ड्रीम जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हो। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनका सिलेक्शन हो गया है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग लाइफ। आप लोग लाइफ में बहुत ग्रो करो, बस यही विशेष है मेरी आप लोगों के लिए। सो बात करते हैं मेरे रिजल्ट की। तो कल अराउंड मैंने 5:30 के अराउंड मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है। मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही थी पीडीएफ देखने की। कहीं ना कहीं एक था कि शायद हो जाएगा सिलेक्शन, 100+ अटेम्प्ट किए हैं मैंने तो थी एक उम्मीद। तो पीडीएफ जब मैंने चेक किया ना, तो डर डर के मैंने रोल नंबर डाला एंड फाइनली वो रोल नंबर नहीं निकला उसमें से। बस ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, काश ये फेक न्यूज़ निकले, ये पीडीएफ फेक निकले, ये पीडीएफ हो ही ना, वो पीडीएफ कुछ ऐसा हो जाए कि सब बोल दे कि हाँ ये फेक पीडीएफ घूम रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वही एक वो एक मतलब रियल पीडीएफ निकली एंड उसमें मेरा रोल नंबर नहीं था। मतलब ये देखते ही ना, मतलब मैं अपने टीयर्स कंट्रोल नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली मिली है। माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, सब ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा समझाया कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी मिल जाएगी। मतलब मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो लोग मेरे साथ थे। आई नो ये मेरा पहला मेंस था, लेकिन इससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लग रहा था कि शायद हो जाएगा तो फाइनली अब आगे की ओर देख सकते हैं, जो इससे जुड़े बहुत सारे सपने हैं वो पूरे होंगे। लेकिन कल रिज़ल्ट ने सारी सोच पे वो कर दिया। मतलब मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी देखूँ, कुछ भी मतलब कि आप लोग पूछ रहे थे टेलीग्राम पे कि क्या कैसा रिज़ल्ट आया, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी को रिप्लाई करूँ। इवन मैंने फ़ोन भी नहीं देखा क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कल देखने का। फाइनली मुझे फैमिली ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा समझाया, एक अलग नज़रिया दिया इस चीज़ को सोचने का। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप हो तो कोई एक ऐसा हो आपके साथ जो आपके इस नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव थॉट दे सके। एंड अगर आप लोग इतना ज़्यादा अपने आई नो कि जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ होगा वो लोग भी अपने में यही फील कर रहे होंगे कि क्यों नहीं हुआ, बस अब गिव अप कर देना है, तो प्लीज़ किसी ऐसे पर्सन से बात करिए जो आपको समझे, आपकी आपके दुख को समझे, आप जो फील कर रहे हैं उसको समझे। थर्ड पर्सन से बात करना बहुत ज़रूरी है, अपनी दिल की बात कहना बहुत ज़रूरी है, तो आप बहुत लाइट फील करोगे एंड यू नो आगे की तैयारी पे ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी अपना दिल खोल के बोल सकते हो, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि हम सब एक ही बोट में हैं, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, पर सब एक ही बोट में है, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप जो चाहो वहाँ पे ये यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो यस, फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, मेरी गलतियाँ थी, कहीं ना कहीं मेरी गलतियों के कारण ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, मेरा पहला मेंस था, शायद मैं और ज़्यादा मेंस के पेपर दे के जा सकती थी एसबीआई क्लर्क के। जब मैंने एसबीआई क्लर्क का प्रिलिम्स दिया था तभी मुझे फील था कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, पर मेरे को कहीं ना कहीं ये भी थॉट थे कि इतने सारे प्रिलिम्स नहीं हुए तो अगर ये भी नहीं हुआ तो। कर रही थी मैं मेंस के प्रिपरेशन, पर उतने ही ज़्यादा फोकस के साथ नहीं कर रही थी, डर के साथ कर रही थी। शायद अगर मैंने और फोकस लगाया होता तो ये हो जाता। शायद मैंने रीजनिंग और क्वांट्स में एग्जामिनेशन में और ज़्यादा टाइम लगाया होता तो हो जाता। अब शायद तो बहुत कुछ हो रहा है लेकिन रिज़ल्ट चेंज नहीं हो सकता है, अब जो है सो है। आई एम रियली इमोशनल राइट नाउ, प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस समझ जाना। बस इतना ही बोलूँगी कि एक महीने में आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क दोनों ही लाइंड अप हैं। आपको जितना इमोशनल होना है आप हो लो, लेकिन उस एग्ज़ामिनेशन पे इस चीज़ का इम्पैक्ट मत पड़ने देना। एक तो वैसे ही इस बार एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट इतना लेट आया है कि ये हैम्पर कर सकता है आपके उस एग्ज़ामिनेशन को, पर कोशिश करना कि ये चीज़ हैम्पर वहाँ ना करे। और बस एक्सेप्ट कर लो यार कि गलती हुई है। जब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, तब तक आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आप मानोगे नहीं कि आपकी एसबीआई क्लर्क जो नहीं हुआ है वो आपकी गलती से नहीं हुआ है, तब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे और अपने आगे के एग्जामिनेशन को फिर से नहीं कैच कर पाओगे।
तो जो गलतियां हैं उसे एक्सेप्ट करिए, उस पर वर्क करिए, उसे रेक्टिफाई करिए और आगे की ओर देखिए। जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ख़राब मत होने दीजिएगा, पूरा 100% दीजिए। जो जो कमियां हैं उस पर वर्क करना अभी से शुरू कर दीजिए। प्रॉमिस करिए कि 2024 को अपना बना कर रहेंगे, पूरी जो भी मतलब अपना 100% देंगे। फिर उसके बाद आप ब्लेम कर सकते हो कि यस हमने अपना 100% दिया था। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। कल से तैयारी पे जुट जाते हैं RRB PO एंड क्लर्क के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी आज मैं अपडेट नहीं कर पाई अपना टू डू लिस्ट, बिकॉज मैं उस जोन में नहीं थी, लेकिन अभी हूँ। अभी पूरे तरीके से दिमाग तैयार है कि हाँ पढ़ना है, आगे का पढ़ना है, अच्छा परफॉर्म करना है। एंड आप लोग भी जितना भी फ्रस्ट्रेशन है यहाँ निकालना है, कमेंट सेक्शन में निकाल दो, कहीं निकालना है, जिसके सामने निकालना है वहाँ जाके निकाल दो, लेकिन आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। और एक बार बस सिर्फ 2024 को अपना लास्ट ईयर मान के पूरा 100% दे दो इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन।